चेंज कर और खाना खा। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रहे हैं लाइव। ओके एवरीवन, जस्ट अ मिनट। वो सोनाली मैम कुछ अनाउंस करने वाली। सब कर दो। क्या सर? सोनाली मैम कुछ अनाउंस करने वाली है तो मैं रुका हूँ उनके लिए। ठीक है। ओके सर। उदय सर। Day, sir. Yes, sir. बोलो ना सर, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है सर। ओके। उदय सर। यस सर। थोड़ा मारा मारी बता दे सर, फिर आप स्टार्ट कर दे। शायद सोनाली मैम नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, क्या मतलब होता है बोलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या होता मारा मारी का मीनिंग? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम या फिर इन अ सिंगल क्वेश्चन, बराबर ना? इसी को मारा मारी बोलेंगे। जैसे मान लो डिटरमिनेंट के अंदर आपका फंक्शन आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ जाता है ना? अगर वो आपको पता नहीं, जैसे हम डिटरमिनेंट के कल क्वेश्चन कर रहे थे, याद है सबको रात में? तो जो भैया क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें हम समेशन लगा रहे थे, बराबर। तो अगर आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हाँ बिल्कुल, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो तो मोर देन टू कॉन्सेप्ट्स भी, इवन है ना, मोर देन टू कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं एक साथ। तो गुड इवनिंग सर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जस्ट इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर एनडीए एग्जाम ऑन कमिंग सितंबर, दैट इज 6th ऑफ सितंबर। And this information is not only for NDA. आप अगर कोई भी competitive exam appear कर रहे हो in next few weeks, please take precautions of all these things. जैसे कल नाटा का first attempt है,
how many of you have filled form for NATA? नाटा जो आर्किटेक्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो कल नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स जेईई का एग्जाम है. ओके, सो एंड 6 सितंबर को एनडीए का एग्जाम है. तो आपने किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस फर्स्ट थिंग, प्लीज कैरी योर डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, आपका हॉल टिकट याद से आप कैरी करिए. सेकेंड थिंग, अगर आप सैनिटाइजर कैरी कर रहे हैं, इफ यू आर कैरिंग योर सैनिटाइजर, प्लीज ट्रांसपेरेंट बॉटल में कैरी करिए, नॉन ट्रांसपेरेंट बॉटल्स अलाउड नहीं है. थर्ड थिंग, मास्क. मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स आपको वहां पे भी फॉलो करने होंगे, तो प्लीज ये भी ध्यान रखिए. एंड फोर्थ थिंग, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड स्पेशली फॉर गोवा, जिन जो स्टूडेंट्स का एनडीए का सेंटर गोवा है, स्पेशली वो भी ध्यान रखें इस चीज का कि अगर आप स्वैप टेस्ट करा लेते हैं, यू गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट दैट यू आर नॉट कोविड पॉजिटिव. अगर आप स्वैप टेस्ट करा लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो. प्लीज कीप दैट सर्टिफिकेट विथ यू, क्योंकि गोवा में जिनका सेंटर्स हैं उनको 48 आवर्स से ज़्यादा का परमिट नहीं मिल रहा है. बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे एंड 48 आवर्स से ज़्यादा का आपको परमिशन नहीं मिल रहा है. तो टेस्टिंग में एक टेस्ट होता है स्वैप टेस्ट, आप और नियर सेंटर्स फाइंड कर सकते हो आपके घर के पास में, आप जहाँ पे भी हो अभी वहाँ पे नियरेस्ट सेंटर कौन सा है, विद इन हाफ एन आवर आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है. मोस्ट ऑफ दी सेंटर्स जो है विद इन हाफ एन आवर आपको सर्टिफिकेशन दे देते हैं. प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट के लिए आप मत रुकिए. अभी जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वहां पे जाकर टेस्ट कराकर वो सर्टिफिकेट ले लीजिए. नॉट ओनली द स्टूडेंट बट पेरेंट्स ऑल्सो, जो पेरेंट्स भी ट्रेवल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो भी अगर खुद के साथ वो सर्टिफिकेट रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. राइट, इज द फर्स्ट थिंग की आपको रखने हैं आपके पास. एंड स्वैप टेस्ट जो है उसका भी प्लीज आपके साथ सर्टिफिकेट रखिए. सो जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस पर प्लीज 1 घंटे पहले पहुंचिए, बिकॉज वहां पे भी आपका चेकिंग किया जाएगा. अगर आप लास्ट मोमेंट पे पहुंच रहे हो तो चेकिंग में ही इतना टाइम चला जाएगा कि आपको पता नहीं अंदर एडमिट करेंगे कि नहीं. सो बेटर इज टू रीच ऑन टाइम, 1 आवर बिफोर एग्जामिनेशन टाइम. तो 1 घंटे पहले आप पहुंच जाइए, बिकॉज वहां पे भी आपका चेकिंग होने वाला है. एंड 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन इज क्लोजिंग ऑन 31st of August. 31st of August इज द लास्ट डेट फॉर एडमिशन इन 11th स्टैंडर्ड विथ आर टाई अप कॉलेजेस. एंड अगर आप फर्स्ट ईयर बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर बीए, तो टुमारो दैट इज 30th of August इज द लास्ट डेट. 30th of August इज द लास्ट डेट फॉर दैट. विल एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स जिनके 2 और अटेम्प्ट बाकी हैं एनडीए के, जिनके एनडीए के 2 और अटेम्प्ट बाकी हैं, एटलीस्ट टेक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर बीए एंड स्टार्ट योर एडुकेशन वहां पे एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर एनडीए ऑल्सो साइमल्टेनियसली. तो ये हमारा एडवाइस रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट. This information I wanted to provide to you. Afroz sir, thank you so much for your time. Afroz sir. Okay, ma'am. Yep. Okay, bachcho. ठीक है, देखो अभी सर मीनिंग बता दिया. मीनिंग, हाँ सर मीनिंग बता दिया आपने, मैंने सुना सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अभय. ठीक है सर, अभी स्टार्ट कर देते अपन, 10 मिनट हो गए अपने, है ना. हाँ सर. चलो सर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो सर, बोलो. If the sum of the squares of 3 consecutive natural numbers is 110, then the sum of their cubes is. बोलो कैसे करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. सर स्टार्टिंग नेचुरल नंबर बोला है ना? हाँ सर नेचुरल नंबर बोला. कोई भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से? हाँ. या फिर स्टार्टिंग से चेक कर. सर अपन वो ऐसे लेंगे ना, x माइनस वन, x और x प्लस वन लेंगे ना, तीन. बराबर सर. ऑप्शन बराबर नहीं दिख रहे क्या? है सर. वापिस उनका क्यूब का सम पूछाना सर. बराबर. तो x एक ले सकते हैं, एक x माइनस वन. मैं करता सर. चलेगा ठीक है. देखो बच्चों अभी तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोला ना उसने, नेचुरल नंबर बोला. ठीक है. अब तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हम कैसे भी ले सकते हैं, तो मैं फॉर आवर सिंप्लिसिटी, फॉर आवर सिंप्लिसिटी मैं इसको कैसे ले रहा हूँ देखो. ठीक है. x माइनस वन, x और x प्लस वन लिया और इनके स्क्वायर का एडिशन पूछा ना मुझे. मतलब क्या पूछा देखो, x माइनस वन का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमें दिया 110. ठीक है. अभी ये कितने लोगों को फॉर्मूला मालूम है देखो बच्चों, मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर. ये आंसर मुझे बताओ कितना आता है, कितने लोगों को मालूम है बोलो. रजिया मैम को क्यों नहीं किया फिर? हाँ हो गई. बोलो. a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आंसर आता है इसका? कुछ लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं. देखा सर, मैं बोला था ना सर. किसने किसने लिखा है देखो सर, आर्यन जाधव. अरे आर्यन ऐसे क्या करे तुम, शुभम कामले. श्रीवर्धन ने क्या लिखा है सर? हाँ सर पता है, टेंथ में पढ़ा था. हाँ सर. रुद्रेश पाटिल ने लिखा. वेदांत ने डायरेक्ट ऑप्शन सी बोला सर. यस वेदांत यू आर राइट. सम्यक का सही है. कार्तिक कैनी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सही है कार्तिक. देखो बस उसको लिखने का मेथड क्या है, कैसे लिखते देखो हम, कैसे लिखते मालूम क्या इसको, 2 into, बैठे इधर तुम, इंग्लिश का लेक्चर करते अभी. 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है ना, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा देखो, ये 2 into x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर आएगा प्लस ये x square is equals to 110. अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x square plus 2 plus x square is equals to 110. ये 2 इधर जाएगा, तो 3x square is equals to 108 मिला ना. तो x square is equals to कितना है बोलो? 36. तो x is equals to कितना आएगा? 6. अरे minus 6 क्यों नहीं आएगा बोलो? minus 6 क्योंकि हम क्या ले रहे बोलो? Natural numbers ले रहे. Natural numbers कभी भी क्या नहीं होते बोलो? क्यूब करो, 5 का क्यूब कितना आता है? 125. 6 का क्यूब कितना आता है बोलो? और 7 का क्यूब, इनको ऐड करना है बस, बोलो कितना आएगा? 63. हाँ यहाँ पे 4 आया ना, 4 आया. फिर बोलो 4 आया, कैरी 1, 2 एंड 1, 3. मैं क्या कर रहा मालूम क्या, मैं ऑप्शन इलिमिनेट कर रहा. जैसे 4 आया ना, मैंने ये दो ऑप्शन गए, अब ये दो ऑप्शन बचे ना, अब मैं बस नेक्स्ट नंबर चेक करूंगा. 4 एंड 1 कितना हो जाएगा बोलो? 5 एंड दिस 3, 8 आया ना, 8. तो 84 वाला आंसर है, 684 वाला. हाँ 684 वाला आंसर है. ठीक है. 6984 नहीं आता श्रीवर्धन. हाँ नीचे लिखा क्या तुमने? ठीक है चलो. उधर मैसेज डालो वेटिंग रूम में, प्लीज राइट योर मोबाइल नंबर. कर ये विवो कौन है? विवो सर वो वेटिंग रूम में सर, उसको लिया नहीं अंदर अभी तक, वही बोल रहा हूँ. उसको आवाज नहीं जाएगी ना सर अभी, अभी रूल ही बनाने का सर, कि जो रिनेम नहीं करे उसको लेने का ही नहीं. बार बार बोलते रहते, नहीं करते लोग. हाँ वही बोल रहा हूँ. वो वीरेंद्र डी कोले एक है सर, उसको बोलो मोबाइल नंबर लिखने. हाँ मैसेज करो ना वेदांत, करो ना मैसेज. ठीक है चलो हो गया. अब देखो नेक्स्ट नंबर, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करते अभी हम. ठीक है
हाँ सर, अभी आप बताओ सर। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो। cos square theta is equal to 1 minus p square plus q square upon 2pq. पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है क्या तुम लोग को? अरे बोलो पाइथागोरस। हाँ सर, p square minus q square तीसरा। हाँ तो अगला क्या होगा? p square मतलब ये आपका cos square theta को 1 minus sin square theta लिख सकते हैं, बराबर? हाँ बराबर। अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो cos square theta को 1 minus sin square theta लिख सकते हैं। तो sin square theta क्या आया तुम्हारा? p square plus q square upon 2pq, बराबर ना? तो एक बात बताओ, जो आपका adjacent हुआ, opposite हुआ, वो क्या हुआ? under root p square plus q square, तो right triangle बना देंगे। 2pq hypotenuse। hypotenuse बोलो। रूट टू पी क्यू आएगा ना? रूट टू पी क्यू। हाँ। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आएगा? ऑपोजिट। तो बचा क्या बोलो? अगर तुम का स्क्वायर करके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, बराबर ना? हाँ सर। और पी माइनस क्यू आ जाएगा, एक्चुअली क्या आ जाएगा बोलो? सर ऐसे नहीं सर। हाँ सर। सर 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ना? हाँ सर। तो उल्टा आ जाएगा ना सर, उल्टा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2pq आएगा, 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ऐसे आएगा ना? हाँ तो अंश क्या आएगा सर फिर उसके लिए? सर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो माइनस टाइम्स p प्लस q का होल स्क्वायर बन रहा है, p माइनस q का होल स्क्वायर बन रहा है, p माइनस q का होल स्क्वायर। हाँ सर ऐसे हाँ बराबर। सर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ना सर। cos square theta is equals to 1 minus p square plus q square divided by 2pq, where p q are non-zero real numbers, is possible only when p is equals to q, and tan square theta is equals to 4pq divided by p plus q ka whole square minus 1, where p and q are non-zero real numbers, is possible only when p is equals to q. अभी सर अगर हमने इसमें p equals to q रखा ना, अगर हमने p cos to q रखा तो cos square theta हमारा क्या हो जाएगा? देखो सर, 1 minus 2p square divided by 2p square हो जाएगा ना सर, बराबर। तो ये हमारा क्या आएगा देखो सर, फिर आदिब्रश केला मग नाश्ताला गेला, रांगोळीला गेला, सकाळी उठला, पहिले वॉशरूमला, 1 minus 1 आया ना, मतलब क्या आया? 0। 0 लेकिन इसके अलावा पॉसिबल नहीं हो सकता क्या? अरे सर देखो ना, यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है हमें, ये स्टेटमेंट दिया है हमें चेक करना है, ठीक है? मैं एक ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए अपन चेक करते सर। चलो अब मुझे cos square theta ये है ना हमारा, अब हमें मालूम है ना सर cos square theta हमारा 0 से लेके 1 के बीच में रहता सर, है ना? तो अब मेरा cos square theta आ गया, तो cos square theta की वैल्यू हमारी क्या बोलो, 1 माइनस दिस ना, इसको डाल देते सर इसमें। हाँ, 1 minus p square plus q square divided by 2pq is less than or equal to 1, ठीक है सर। अब बोलो, अब क्या करेंगे सर, 2pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 is less than or equal to 1 minus क्या सर? सर सही है, सही है। 2pq से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस p square हो जाएगा, माइनस q square हो जाएगा। एक मिनट है सर, ये स्टेप मैं वापस लिखता हूँ। सर p square plus q square is always greater than or equals to 2pq, है ना? हाँ। तो ये मैं ये लिख रहा हूँ। एक ही केस में पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल, जब p और q इक्वल हो तभी दो, तभी वो 1 के इक्वल होगा, मतलब इक्वल होगा। हाँ। तो सही है सर स्टेटमेंट, मैं बताऊँ क्या? देखो सर। हाँ सर बोले, इसके आगे बोलो सर। हाँ सर, ये जो लिखा हुआ है ना p square plus q square, ये इतना करने की जरूरत नहीं है सर। सर जो p square plus q square लिखो ना, एक स्टेटमेंट p square plus q square is always greater than or equals to 2pq, पाइथागोरस ट्रिपलेट से आता है ना सर। हाँ सर, p square plus q square is always greater than 2pq रहता। हाँ सर, equal to भी सर। हाँ, equal to भी रह सकता। हाँ, ये equal to कब होगा? जब p और q दोनों equal होंगे। हाँ तभी equal to रहेगा।
पी और क्यू जब इक्वल रहेंगे तभी ये इक्वल टू रहेगा, अदरवाइज हमेशा ग्रेटर होगा। एक बात बताओ सर, जब न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर है, न्यूमरेटर अगर हमेशा ग्रेटर है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा, और अगर ग्रेटर देन वन आएगा तो वन माइनस ग्रेटर देन वन नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब पी इज इक्वल टू क्यू रहेगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में, गुड सर। सेकंड बोलो सर, अभी फिर अभी सेकंड में ऐसा है, अभी पी प्लस क्यू होल स्क्वायर है ना सर? पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, अभी इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी ये भी आपका हमेशा जीरो से ग्रेटर होना चाहिए टाइम स्क्वायर थीटा। टाइम स्क्वायर थीटा हमेशा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रह सकता सर। हाँ, तो अभी इसमें इनइक्वालिटी लगा दो सर, ये तो सकते हैं ये सर। हाँ, फोर पी क्यू अपॉन ये जीरो से वन के बीच में, वन के बीच में नहीं आएगा सर, ग्रेटर देन जीरो बस। जीरो से इनफिनिटी बोल सकते हैं, बराबर सर? तो हम ऐसे लिखेंगे ना, फोर पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी जीरो, बराबर सर? अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई मतलब ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू, अगर अपन ने साइन इंटरचेंज किया बराबर सर, इक्वालिटी चेंज। सर पी इक्वल टू क्यू मिलेगा ना हमें, बराबर बराबर सर, ये सर हमारा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लेस देन, अभी लेस देन तो हो नहीं सकता सर, सिर्फ इक्वल टू जीरो होगा। हाँ, लेस देन नहीं हो सकता सर, सही है। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है सर, सही है सर? अभी बच्चों को समझाओ आप सर। सुनो ध्यान से सुनो, पाइथागोरस ट्रिपलेट मालूम है क्या तुम लोग को? अगर एक देखो, एक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है, एक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है हाइपोटेनस, और एक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और एक टू पी क्यू, लिखो ना सर हाइपोटेनस, वो बनाओ ना पाइथागोरस, ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल बनाओ सर। सर अभी उधर जो हाइपोटेनस है उसको लिखो सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है सर? और एक जगह लिखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और एक जगह टू पी क्यू। हाँ, अभी देखो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा 2pq से, तुम्हें समझ रहा है क्या? लेकिन एक केस में वो क्या होगा आपका, देखो ना हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होगा ना, लेकिन एक केस में जहां पे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता नहीं है, अगर p = q ले लिया आपने, तो p = अगर q लिया ना तो क्या आएगा बोलो, 2p² आएगा, उधर भी 2p² आएगा, तो p = q के केस में ये बस इक्वल आएगा, है ना? तो अभी देखो इसका मतलब न्यूमरेटर अदर देन p = q, न्यूमरेटर आपका क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है इसका मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, अरे हाँ कि नहीं? सो वन माइनस ग्रेटर देन वन क्या हो गया, नेगेटिव। सो नेगेटिव आ रहा है, हमेशा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कहाँ पे, अगर p इक्वल टू q हो गया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल, तो वन माइनस वन जीरो ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक ही केस में ये कॉस स्क्वायर थीटा ये इसके इक्वल हो सकता है जब p इक्वल टू q हो। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में भी सर ने क्या किया, ये हमेशा याद रखो ये आपका जो कॉस टैन स्क्वायर थीटा वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, तो सर ने क्या किया बोलो, सर ने 4pq upon p plus q whole square minus 1 को greater than or equal to 0 लिखा। सर क्या किया, सर ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4pq minus 4p plus q का whole square divided by 1p plus q whole square greater than or equal to 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, और पॉजिटिव है ना p plus q whole square, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचा क्या, 4pq minus p plus q का whole square greater than or equal to 0। अब इसको साइन चेंज करो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज, p plus q whole square minus 4pq less than or equals to 0, आया क्या p minus q whole square is less than or equals to 0। अब less than तो कभी हो नहीं सकता, equal to 0 हो सकता है, equal to 0 में p should be equal to q होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इनइक्वालिटी से हमने सॉल्व किया, तो सेकंड स्टेटमेंट में भी करेक्ट है, क्योंकि ये tan square theta तभी पॉसिबल है जब p is equal to q, और cos square theta is equal to 1 minus p plus p square plus q square upon 2pq तभी पॉसिबल है जब p is equal to क्यों रहेगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। समझा क्या? देखो ना सर इसमें क्या क्या आया, तो देखो ना सर क्वाड्रेटिक आया, इनइक्वालिटी आया, और ट्रिग्नोमेट्री भी आया ना सर। बराबर सर, बराबर, इसलिए ये हमारा मारामारी का क्वेश्चन। बराबर सर, आंसर सी आया, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। यस सर, ठीक है सर, चलो नेक्स्ट देखते हैं सर अभी अपन। हां सर, हाँ सर, ये आपका क्वेश्चन है सर।
सर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल आर एक्स प्लस थ्री एंड दिस एचसीएफ और एलसीएम दिया है ना रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द टू पॉलिनोमियल सेज x square minus 4x minus 21 मैं फार्मूला बता गया सर मुझे याद है फार्मूला आपने बताया हाँ लिखो ना सर बच्चों से पूछते ना बच्चे लिखो फार्मूला क्या फार्मूला रहता भाई HCF LCM के रिलेटेड एक फार्मूला है क्या फार्मूला है देखो बताओ हमें पहले चैट बॉक्स में टू एवरीवन है क्या एवरीवन नहीं है आपको आपको पता चलेगा एवरीवन है शायद सर है ना सर एवरीवन है ये क्या है सर क्या हो गया राइट में इन वेटिंग रूम में भी मैसेज किया तो आता है इधर हाँ हाँ प्लीज राइट योर नेम एंड नंबर वो वेटिंग रूम वालों के लिए लिखा था सर आर्या आर्या सही है वेरी गुड आर्या का आया सर आंसर मतलब फॉर्मूला आया वेरी गुड आर्या गोवर 11th में है सर हाँ सर देखो बहुत भारी है क्या रहते देखो LCM into HCF is equals to a product of two numbers रहता yes sir ठीक है तो देखो ना यहाँ पे LCM हमें दिया है x plus 3 और ये क्या है हमारा x square minus 9x minus x plus 105 equals to ये है हमारा x square minus 4x minus 21 into हमें जो find करना है उसको y बोलता क्या बोल रहा मैं y बोल रहा ठीक है जो second number है इनका product अभी क्वाड्रेटिक अगर हम सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 तो उसके फैक्टर्स क्या मिलते हैं बच्चों देखो फैक्टर्स एक क्या मिलेगा x प्लस 7 माइनस 7 प्लस 3 ना यस सर अरे यार कि नहीं इसके क्वाड्रेटिक अगर हम रूट मिला निकालते इसके ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 तो हमें माइनस 21 को कैसे फोड़ेंगे देखो प्लस 7 सॉरी माइनस 7 प्लस 3 ठीक है इनका एडिशन माइनस 4 आ गया हा? और इनका प्रोडक्ट माइनस 21 आ गया ना और यहाँ पे जब 1 रहता ना 1 तो बच्चों देखो कैसे लिख रहा मैं डायरेक्टली x माइनस 7 और क्या लिखा बोलो x प्लस 3 तो हो गया ये अब मुझे क्या मिला देखो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 105 इज इक्वल्स टू क्या आएगा x माइनस 7 इंटू x प्लस 3 तो x प्लस 3 तो कैंसिल हो गया अब हमारा ठीक है x प्लस 3 कैंसिल हो गया अब देखो आगे क्या करेंगे अब हम फिर इसमें अब हम करेंगे ये x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस क्यूब है ना वो हाँ सर x क्यूब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोलो x माइनस 7 इक्वल्स टू y अब डिवाइड करो डिवाइड इसको अंदर करो ना भाई सर मेरा आंसर आ गया बताओ क्या मैसेज आता नहीं था हां सर बताइए ना क्या किया आपने देखो डायरेक्ट बिना पूरा डिवाइड किया आ सकता है देखो देखो कैसे डिवाइड करते हैं मालूम है क्या पहले तो एक x स्क्वायर आएगा ही पहले तो x स्क्वायर आएगा सब में है कोई सब में खराब ठीक है उसके बाद -7x स्क्वायर आएगा ध्यान से देखो ध्यान सर लिखो मत सर कुछ मत लिखो नहीं सर नहीं लिख रहा मैं बस ये लिख रहा हूं हां देखो x माइनस 7 को ना x माइनस 7 आपका डिवाइजर है राइट तो पोर्शन में आपका x आएगा पहले तो क्या आ जाएगा सॉरी x स्क्वायर आएगा ठीक है तो x स्क्वायर को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा और माइनस 7x स्क्वायर आएगा फिर माइनस वो x क्यूब टूट जाएगा माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा अब तुम्हें माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा बोलो ना माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो माइनस 2x स्क्वायर बनेगा तो बस हो गया मेरा माइनस 2x किधर है तीसरी ऑप्शन में इज द राइट आंसर समझा गया सर सर एक और सट्टा बताओ क्या मैं सर हां बोलो ना सर सर जो भी हमारा आएगा ना जो भी पॉलीनोमियल आएगा उसका एक रूट सर 7 रहेगा और चेक करो सर बस ऑप्शन सी है ना सी हां सी में बस सर एक रूट है शायद है ना देखो सर नहीं नहीं सर एक मिनट रुको लेट मी चेक सर x माइनस 7 इसका फैक्टर है ना हाँ नहीं आएगा फैक्टर है सर इसका देखो मैं बता रहा बच्चों ठीक है यहाँ पे x क्यूब है ना x क्यूब हाँ अब यहाँ पे मेरा x है
तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब सर का मैं बता रहा हूँ, सर क्या शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे, ठीक है। अभी देखो ये एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हमने माइनस किया तो ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे क्या है बोलो, माइनस टू एक्स स्क्वायर आया, क्या है बोलो, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे माइनस टू एक्स चाहिए ना। अब अगर तुम ऑप्शन चेक किए ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से बस ऑप्शन सी है ना, और कोई एक ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सी आएगा। क्या आएगा बोलो, आंसर सी। सर ये अर्सलन कितनी बार, हेलो सर, वेटिंग रूम में एंटर कर रहा है। हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ सर, इसमें आप फैक्टर निकालेंगे ना तो नीचे का जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन है, उसमें हमें एक फैक्टर एक्स माइनस टू मिल रहा है ना, तो सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर के भी फैक्टर निकाल देना, सब कैंसिल आउट हो जाता है सर, डिवीजन में बहुत टाइम लग जाएगा। मैम कहाँ एक्स माइनस टू है, उसमें थोड़े ना एक्स माइनस टू है। मैम मैम सर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन के जो फैक्टर्स है ना, वो एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री आता है, जो कि डिनोमिनेटर पे आने वाला है, विच इज वन ऑफ द पॉलीनोमियल। बराबर मैम, बराबर। ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एक्स प्लस थ्री एक है जो कि कैंसिल हो गया। अभी जो क्यूबिक है उसमें भी इसका मतलब एक फैक्टर 100% सेवन से आने वाला है। बराबर, तो हम सीधा सिंथेटिक डिविजन लगा के उसको कैंसिल आउट करेंगे, हमें सी आंसर आता है, कन्फर्म्ड है। हाँ हाँ सही है मैम, ये बोल रही है सर कि डिवीजन ना लगा के सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, ऐसा। सर अगर किसी को डिवीजन हार्ड जाता है ना सर, तो एक और मेथड कर सकते हैं अपन सर, मालूम क्या क्या, अभी मेरे पास जो फैक्टर बचा था ना सर x माइनस सेवन, हाँ ना सर, इसको मैं ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। हाँ, अगर मुझे क्यूबिक पॉलीनोमियल मिला ना तो वही आंसर रहेगा ना सर। अरे समझे क्या सर, देखो ठीक है सर, चलो अभी आगे बढ़ते सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंथेटिक डिवीजन नहीं बता रहे, बोलो सर, बोलो। अभी if alpha and beta are the two real roots, alpha or beta given alpha plus beta, alpha into beta diye aapka jo 1 se r ke beech mein hai pq hai na, then which one of the following is the greatest, which one of the following is the greatest, bolo kaise karenge। alpha plus beta aapka minus p by q hai aur alpha into beta to r by p hai, to sir kya hum equation bana sakte hain abhi पहले तो? हाँ सर बना सकते हैं ना इक्वेशन। हाँ लेकिन सर इक्वेशन बना के क्या होगा, पता तो चलेगा कैसा इक्वेशन है, वो इमेजिन करते नहीं आएगा ना सर, इक्वेशन नहीं होगा बच्चों के पास। हाँ मतलब फायदा नहीं कुछ, अभी अल्फा प्लस बीटा गिवन अल्फा इनटू बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा देखो माइनस पी क्यू बाई पी है और अल्फा इनटू बीटा आर बाई पी है, और पी और क्यू हमेशा वन और आर के बीच में, मतलब ऐसा वन से ग्रेटर है सारे, फिर उसके बाद 1 से ग्रेटर P है, P से ग्रेटर Q, Q से ग्रेटर R है, ठीक है, ऐसा है। तो अभी सर, सर, सर हाँ तो अपन है ना ऐसे नंबर्स लेते ना जहाँ पे अपने को सिंपल जाएगा P Q से। हाँ वो भी कर सकते हैं, 1 2 3 ले लो सर, P P 1 से ग्रेटर चाहिए ना सर, तो 2 इधर ले लेते, P 2 ले लो, Q 4 ले लो, Q 4 ले लिया, और R 8 ले लो, आर सिक्स भी ले सकते, एट ले लिया सर, ठीक है। हाँ बस हो गया, अभी देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना, क्यू बाई पी मतलब सर माइनस टू, माइनस टू आया, और अल्फा इनटू बीटा सर, अल्फा इनटू बीटा आया माइनस सॉरी फोर सर, फोर फोर आया, कितना है फोर। अभी देखो ना सर, बस ऑप्शन में अपन डालते जाएंगे ना अपने को समझेगा। सही सर, फर्स्ट देखो सर, फर्स्ट वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा है ना, माइनस टू आएगा, ये माइनस जीरो पॉइंट फाइव है, अपने को ग्रेटेस्ट चाहिए ना, तो चेक कर सकते सर। और ये कैसे निकालेंगे सर अपन, वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा, इसको बस अपन इसको अपन अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे ना, तो माइनस टू अपॉन फोर माइनस वन बाई टू, ये भी तो इसका आंसर कितना है अपना, माइनस वन बाय टू ना, इसका भी आंसर माइनस वन बाय टू, और इसका बोलो सर ये माइनस माइनस वन बाय फोर, और ये सर 4 डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस टू सर, हाँ 4 डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस टू, देखो ना ये एक आया ना माइनस 0.25 आया, ये
ये हमारा आया माइनस 0.5, ये भी हमारा माइनस 0.5 है ना सर, तो इसमें सब में ग्रेटेस्ट तो सी है ना, सी बराबर, तो सी ऑप्शन राइट है सर। क्या बात सर, बहुत सही है ना सर, नंबर बराबर सर, उससे आसान जाएगा। क्या 17-18 साल, ये देखो ये अंबुष्कर क्या बोल रहे हैं, देखो सर पूछो बोल रहे सर 17-18 सालों में देखा कैसे बच्चों को। भाई लिखो चैट बॉक्स में लिखो कितने लोगों को हमारा आइडिया समझ में आया। बोलो मैंने क्या किया, बस चेक किया सर मेथड बता रहे थे, मैंने बस एक क्या किया नंबर से जूम के पी क्यू आर को, लेकिन नंबर से मैंने सर के लिया, सर के देखो सर ने क्या लिया 248 लिया। अब सर को पूछो सर ने 248 क्यों लिया, अरे सर वो डिवाइड हो जाएगा ना आसानी से, इजीली डिवाइड हो जाता है इसलिए लिया। ठीक है समझे क्या, अरे समझा क्या सबको, समझा समझा स्वयंजीत को समझा। 17-18 सालों में ऐसा पहली बार कितने लोगों के साथ हुआ, देखो फुल बाउंसर था सर इसको, कौन है भाई ये, श्रीवर्धन श्रीवर्धन आप समझाओ सर एक बार, देखो श्रीवर्धन सुनो सुनो, अरे हमने ना क्या किया, उन्होंने बोला ना वन से ग्रेटर पी क्यू आर लेना है, ठीक है वन से ग्रेटर पी क्यू आर लेना है, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में आपका दिया है, तो मैं क्या ले लेता हूँ पी क्यू आर 2, 4, 1, 2, देखो 1 तो ऑलरेडी है, पी की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, क्यू की वैल्यू क्या ले लिया बोलो 4 और आर की वैल्यू 8, क्यों ऐसा डिवाइड करने में आसान रहेगा ना, 2 का ही मल्टीपल सबको ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस क्यू बाई माइनस पी बाई क्यू है, तो माइनस पी पी मतलब कितना बोलो सर, उल्टा लिख दिया शायद सर आप, सर क्यू बाई पी ना, हाँ बराबर बराबर, तो माइनस 2 आ गया, सही लिख रहा हूं ना सर, और अल्फा इंटू बीटा क्या बोलो आर बाई पी ना, तो आर कितना बोलो 8 लिया हमने, तो 8/2 कितना हो गया 4, तो ये बस हो गया। अभी देखो ए ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन से चले जाओ 1/α + β, तो α + β क्या है -2, तो कितना आ गया -0.5, ठीक है ये आ गया पहला। इसको बी को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी, α + β / α β, तो α + β कितना है सर, डिवाइड कर देंगे ना दोनों को -2/4, तो -2/4 वापस से क्या आ गया -1/2, तो -0.5 आ गया वापस से। फिर इधर सी ऑप्शन बहुत इजी है, -1/α β क्या है बोलो 4 है, तो -1/4, तो -0.25, अभी तक का ग्रेटेस्ट यही है, पता चला क्या तुम लोग को, अभी तक का ग्रेटेस्ट यही है। क्यों है ऐसा, जितना नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कम उतना वैल्यू ज्यादा, हम कोई नंबर ले सकते हैं ना सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आसान नंबर लेना जरूरी है, पता है क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करते बैठे, तो 1, 2, 3 ले लो फिर 3/2 करते बैठे रहो तो फायदा नहीं कुछ, समझ आ रहा है क्या, 2, 3, 4 ऐसे कुछ ले लो तो ओके वेरी गुड। तो अभी यहाँ से देखो ये डी आपका -2 आ रहा है, तो ये तो लीस्ट हो गया, तो सबसे छोटा आ रहा है ये, तो जो आपका ग्रेटेस्ट आएगा वो -0.25, दैट इज सी इज द राइट आंसर। ये कौन है, समझा क्या, हेलो सर बोलो ना सर, और सी मतलब ए और बी सेम है ना, ए और बी सेम है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ा, नहीं सर अगर सी ऑप्शन में सी ऑप्शन भी सेम होता तो क्या करते, तो दूसरे नंबर लेते और क्या करते, सब्स्टिट्यूशन में तो यही करना पड़ता है। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड शिवर्धन, वापस से लेते हैं ना नंबर, कौन पूछ रहा है, ठीक है सर चलो अभी अभी समझाओगे सर उसको, हाँ चलो समझा सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर चलो बोलो सर, बहुत भारी बोलो, ए बी सी इज इक्वल टू क्या दिया 1, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू के ले लेते सर, के लेते हाँ सर के ले लू, हाँ के ले लो फिर लॉग लेंगे ना, हाँ सर बहुत इजी जाएगा, देखो ना ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू के लिया, तो ये ईच रेशियो इक्वल टू के है, मतलब मैं हर बार के ही लूंगा, ठीक है तो ऐसे देखो एक्स इंटू लॉग ए इज इक्वल टू के लॉग के हो जाएगा ना सर, यस सर, तो लॉग ए की वैल्यू निकालते हैं, लॉग ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग ऑफ के रेस टू 1/x, सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, एक्स की वैल्यू निकालो ना सर, उन्होंने 1/x पूछा है, ठीक है सर चलो एक्स की वैल्यू निकालते सर, एक मिनट बस, एक्स की वैल्यू आई लॉग के अपॉन लॉग ए ना, हाँ तो लॉग के बेस अभी 1/x भी निकालो सर, यहीं से a raised to y is equals to k से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर अभी, हाँ है ना, और सर बोलो,
z is equal to log k upon log c. सर हाँ इसमें ऐसा रहेगा ना x plus y plus z is equal to 1 रहेगा ना ऐसा नहीं दिया ना रुको ना रुको रुको सर सर सुनो ना अभी क्या करेंगे अभी सर 1 upon x लिखो ना 1 upon x बेस ये चेंज कर देंगे ना log a upon log k मतलब log a बेस k ऐसा हो जाएगा इनको ये प्रॉपर्टी मालूम है क्या log की प्रॉपर्टी मालूम क्या तुम लोग को मालूम है हाँ, मालूम है सर वेरी गुड अरे 11th वाले भी है 11th वाले भी है उनको पूछता रहता हूँ 1 by y बोलो 1 by y कितना हो जाएगा सर जीरो आंसर है ना सही है सर सही है ए बी सी ए बी सी तो 1 है तो log ए बी सी कितना log 1 कितना 0 0 इज द राइट आंसर मस्त है सर सही है ना अच्छा क्वेश्चन है लॉग लेके करने मस्त सर मस्त 11 स्टैंडर्ड समझा गए तुम लोग को ठीक है सर आगे बढ़ेंगे अभी समझा क्या हां 0 इज द राइट आंसर हां इजी आ रहा है वेरी गुड सर समझ गए क्या बात सर ये भी बहुत भारी है सर हां सर ये 0.72 का हां लिखो लिखो जल्दी से सब लोग आंसर बताओ इसका बच्चों सर इसको पहले तो हाँ सही है सर बहुत सही है ना सर करेंगे तो बहुत इजी जाएगा ना सर बराबर सर माइनस टू पहले बाहर जाएगा बाहर ठीक है और ये 72 को अपन 2 और 3 के प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे बोलो 2:3 और 3:2 इसका स्क्वायर ना तो ये क्या हो जाएगा देखो log ऑफ 10 ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस ये इसको मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता क्या बच्चों ये बोलो कितने लोगों को सबका मैंने जो 2 लिखा अरे समझा क्या इसकी वैल्यू 2 है कैसे देखो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 10 100 मतलब 10 का स्क्वायर ना और स्क्वायर सामने आएगा तो 2 टाइम्स log ऑफ 10 और 10 हो जाएगा तो ये तो 1 रहता ना ये 1 रहता तो ये कितना हो गया बोलो 2 हो गया ठीक है और इन दोनों का प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे बोलो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा देखो 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 10 ओके माइनस सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 और ये माइनस 2 अब ऐड करो ऐड और सब्सट्रैक्ट करो बताओ जल्दी से 2 इंटू log 3 कितना आएगा मेरा 0.4771 आएगा प्लस 3 इंटू 0.3010 आएगा और ये माइनस 2 बोलो 2459 ठीक है प्लस 0.9030 है ना माइनस 2 ऐड करो इनको पहले 2 हो गया 7 हो गया 5 और ये 9 and 9 सी ऑप्शन सी ऑप्शन है क्या सर सी सी सर ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है बी माइनस आ रहा है सर ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया पॉइंट नहीं होना चाहिए था सर ये इधर 100 दिया हुआ इधर बेस 100 है सर उसका तो वापस से सॉल्व करेंगे टेन दिया हुआ है सर माइनस टू क्यों लिया है क्वेश्चन में सर बुक में ऐसा ही लिखा है हाँ टेन ही लिखा हुआ है लेकिन 100 लेंगे तो आंसर आ जाएगा सर ठीक है जाने दो इसमें अगर करेक्शन है तो ये नहीं करते अभी अपन है ना टाइम वेस्ट हो जाएगा सर बोलो सर सर वो 72 लग रहा है सर MFN में था वैसे हाँ उससे भी आ जाए उससे तो आंसर फिर आ जाता है ठीक है सर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ बोलो 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 जल्दी से सट्टा है सट्टा बोलो क्या सट्टा है ठीक है हाँ सही है आंसर सही है यार बी बाय एसी हाँ सही है सर बी बाय एसी के हाँ सही है सर सर हाँ सर बोलिए ना क्या करने का सर अगर किसी को सट्टा याद नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन से बहुत आराम से कर सकते हैं
लेकिन सर पहले सब्स्टिट्यूशन नहीं, पहले सट्टा बताओ सर। तो सट्टा बी अपॉन ए सी आंसर। क्या लिखी सर, क्या बी अपॉन ए? डायरेक्ट बी ऑप्शन रट लिया कि सर? रट गया है, सट्टा है सर। मतलब देखो मैं जैसे बोल रहा, देखो ना ए अल्फा प्लस बी है ना। अब बोलो सर फिर क्या करेंगे अभी? बी अपॉन ए सी सर। बी अपॉन ए सी क्या आंसर? बी अपॉन ए सी आंसर है सर, लेकिन क्या कर क्या रहे वो तो बताओ सर। मैं देखो सर, या तो मैं सब ट्रेडिशनल कर नहीं कर सकते सर, इसमें करेंगे बहुत लंदी होगा, तो या तो सट्टा याद रखो कि बी अपॉन ए सी आ जाए, तो बी अपॉन ए सी इसका आंसर है। अदरवाइज सर, अदरवाइज इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। हाँ सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सर याद हो गया। हाँ नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से करो सर, शायद ट्रेडिशनली कर रहे हैं। देखो अभी सर जाने दो, मैं नहीं कर रहा अभी, बस आप डरा रहे सर, बहुत लंबा जाता लेकिन ये भी तो वही बोल रहा ना सर मैं, जाने दो सर। ये कैसे सर बोलो ना, और अगर इधर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया तो सर? सब्स्टिट्यूशन है ना जिंदाबाद। ठीक है सर, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे सर, बहुत इजी जाएगा। सही है सर, सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वे सर, आई थिंक सो। और ये भी बोलो सर, वन अपॉन बाकी नहीं आ रहा सर, बाकी में ऊपर ए सी है ना तो आएगा ही नहीं। हाँ बराबर सर, एक नंबर। देखा गया सब्स्टिट्यूशन से कितना जल्दी आता। रुद्रेश पाटिल कैसे आया वेटिंग रूम में? अभी तो था लेक्चर में। चलो सर बाहर गया होगा, नेटवर्क इश्यू होगा कुछ तो। सर वो इससे भी नहीं बढ़ा रहा है सर, तीन स्टेप में सॉल्व हो रहा है। हां सर सिर्फ तीन स्टेप लग रही, ज्यादा ही लग रहा। क्या बात कर रहे हो, पिछला क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ना सर? हां एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम लेके। अरे चलो इसका आंसर बताओ अभी, छोड़ो उसको, इसका बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा हो गया ट्रेडिशनल तो अच्छा है, अच्छा बोलो अभी इसको बोलो। ए बी सी गिवन है, अभी क्या करेंगे बोलो? सर जीरो आंसर है इसका सर। हाँ जीरो है क्या? तुम लोग सर। हाँ सर बोलो सर। सर अभी देखो एक बात बताओ, ये सर पावर में है ना सब? सब पावर में सर, ए टू दी पावर क्यू माइनस आर, बी टू दी पावर आर। जीरो कैसे आएगा? जीरो तो मुश्किल है, मतलब एक्सपोनेंशियल का जीरो आता है क्या कभी? सर देखो ना, अगर ए रेस टू पी क्यू माइनस आर किया, सब साइक्लिक रहेगा, एक्स की पावर पी माइनस क्यू माइनस आर आएगा, फिर वाई रेस टू क्या आएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर बी रेस टू आर माइनस क्यू करेंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई किया ना तो एड करेंगे सबकी पावर को, तो मुझे लगता है एक्स की पावर साइक्लिक में आएगा, सब कुछ आपस में कैंसिल आउट होना चाहिए, बी की पावर बी। आंसर वन सर, इसका वन। हाँ वही बोल रहा ना सर, जीरो नहीं आता। नन ऑफ दिस। हाँ सर बराबर सर। देखो सर और एक सिंपल मेथड सर, क्या कर सकते हैं मालूम क्या अपन यहाँ पे? ये मल्टीप्लाई नहीं करने का अपन पावर को, ठीक है? देखो ए की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई रेस टू पी रेस टू पी माइनस वन है ना, तो मैं क्या कर रहा देखो सर, एक्स वाई रेस टू पी माइनस वन किया, ठीक है, रेस टू क्या बोलो सर, क्यू माइनस आर, ओके। बी क्या आएगा सर, वाई इंटू जेड, रेस टू क्या था, क्यू माइनस वन है ना, क्यू माइनस वन होल रेस टू क्या आएगा सर, आर माइनस पी आएगा, ठीक है, इंटू देखो सर क्या आएगा, सी क्या है सर, सी सी है सर जेड एक्स रेस टू आर माइनस वन।
अरे ये बीच में से कहां से आ रहा है, ठीक जेड एक्स रेस टू आर माइनस वन, रेस टू क्या आएगा पी माइनस क्यू, तो भी बस सर एक्स के पावर और वाई के पावर कलेक्ट कर देंगे सर, है ना। हाँ बराबर ना सर, लंबा आएगा सर, सही है। लेकिन ये याद रखना सिंपल है, एक्सपोनेंशियल का कभी भी आंसर क्या नहीं होता सर, जीरो आना बहुत मुश्किल है ना सर, और ये पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये एक्स रेस टू जीरो रहेगा, वाई रेस टू जीरो और जेड रेस टू जीरो, ये वन 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 आएगा, इसका आंसर वन आता वन, ठीक है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर है। ये क्या हो गया, दिमाग चलता है ये लॉज ऑफ इंडेक्सेस करो ना, लॉज ऑफ इंडेक्सेस, लॉज ऑफ इंडेक्सेस क्या जरा बताओ, प्रतीक ए रेस्टोर अपॉन ए रेस्टोर क्या था, उसको जो चेंज करो ना स्लाइड, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा, हाँ बच्चों ये बता ना सेव करो क्लियर करो, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का बच्चों कैसे करते हैं, एक पहला मेथड कौन सा है, एक मेथड तो ये वाला मेथड है तुम्हारा डेरिवेटिव वाला मेथड, क्या इसका डेरिवेटिव बोलो ना, बोलो बच्चों लोग, ये देखो मैं ये टॉपिक का नाम मारामारी था, सुनो मेरी बात, मैं क्या समझा रहा, देखो पांच मिनट में समझा रहा, आज का टॉपिक का नाम मारामारी था, मारामारी था ना आज का टॉपिक का नाम, ये तो ये 2018 का, 2018 का तन्मय सीडीएस का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा सीडीएस के क्वेश्चन में याद रखो, सीडीएस के क्वेश्चन में डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, लेकिन एनडीए में डेरिवेटिव हो गया है, तो जिसको जिसको जिसने एनडीए का पढ़ाई कर लिया, जिसने एनडीए का पढ़ाई कर लिया वो ऑटोमेटिकली मेरा बोलना है कि वो सीरियस पास हो जाएगा,
अरे हाँ या नहीं? हाँ तो एफ डैश एक्स इतना वैल्यू आया, हम एफ डैश एक्स को जीरो लेते हैं। अभी एफ डैश एक्स को जीरो ले तो क्या आएगा बोलो, इसको एडमिट करें अंदर। एफ डैश एक्स को जीरो लिया ना तो फोर एक्स प्लस फाइव को जीरो लिया तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर आया। और डबल डेरिवेटिव निकाला डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव निकाला तो फोर आया, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया मतलब मिनिमम वैल्यू आया, बराबर ना? हाँ या नहीं? हाँ 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 सर। और कितने लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को, मैक्सिमम एंड मिनिमम अल्टरनेट ईच अदर? हाँ कभी साथ में नहीं आ सकते। तो मैं ये बोल रहा तुम्हारे को, अभी x का वैल्यू मैं माइनस फाइव बाई फोर अगर यहां डाला मिनिमम वैल्यू के लिए तो 2 इंटू 25 बाई 16 आता, प्लस 5 इंटू माइनस 5 बाई 2 आता, 5 बाई 4 आता, प्लस 5 आया, तो मेरा वैल्यू कितना है बोलो ना? 25 बाई 8 माइनस 25 बाई 4 प्लस 5। सर हाँ सर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो y है ना इक्वेशन है y। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले ये बता रहा हूँ उनको, वो भी बता रहा हूँ, एक मिनट मैम मेरा इसको खत्म करने दो। उसका क्या आएगा 25 माइनस 50 और 40 कितना आएगा मैम टोटल? 15 बाय 8 सर, ये राइट है ना? 15 बाय 8 करने के बाद 15 बाय 8 आता है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद 15 बाय 8 आता है। हाँ तो बता रहा हूँ मैम, वो भी बताने वाला हूँ, तो लड़की को लो ना। तीन मेथड है इसके, तीन। ये मेथड समझा क्या सबको? हाँ सर समझा। आज में क्या देखा, सब क्या हाल है? हाँ क्या बोलो, डी बाई फोर भी कर सकते ना उदय सर? हाँ सर, सर वो सबसे सही है, माइनस डी अपॉन फोर है। हाँ सर वही करना था, यस सर वही करना था, अपवर्ड पैराबोला। हाँ अपवर्ड पैराबोला सर, बताओ अपवर्ड पैराबोला सर। मैं इसको डिलीट मारो यार, क्या है ये सेव किया है सबने, कॉपी किया इसको मेथड? हाँ अभी ये आशा मैम का मेथड और फिर उदय सर का मेथड। आशा मैम ये बोल रहे हैं बच्चों लोग पहले मेरा मेथड क्या, अभी मैं आशा मैम का मेथड कर रहा हूं। टू कॉमन निकालोगे आशा मैम? हां सर टू कॉमन निकाल लो, रादर डिवाइड ही कर दो पूरा तो भी चलता है। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या मैम? मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय 4 इनटू फर्स्ट, तो ऐसा आएगा 25 x2 अपॉन 4 इनटू 4x2 25 बाय 16 आता है। सर अपवर्ड पैराबोला में डायरेक्ट हम मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय फोर ए लेते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अपना अपना मैम अपुन क्या बता रहे हैं, हमारे पास तीन टीचर है और तीनों अलग अलग मेथड से सम बता रहे हैं, और हर वो सम जो एक से ज्यादा मेथड में बताया जाएगा वो एनडे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बचा मैम कितना हो गया, 840 में से 15 बाय 8 16 सॉरी। अभी आप ऐसा बोलूंगा ना मैम, 2 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बाय 8 आया ना मैम? हाँ सर एग्जैक्टली, ये मिनिमम वैल्यू हो गया सर। मिनिमम वैल्यू जीरो, हाँ जीरो होना जरूरी है ना, एक्स प्लस 5 बाय 4 परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो जो मैम बोल रही है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, इसलिए बचेगा 15 बाय 8। हाँ ये इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होता है तो बच्चेला जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। कितने लोगों को समझ में आया ये मेथड? अभी उधर से आप थर्ड मेथड बताओ क्या? मैम ने बता दिया वैसे ऑलरेडी, माइनस डी अपॉन फोर ए डायरेक्ट आंसर, माइनस डी अपॉन फोर ए डायरेक्ट लिखोगे सर? माइनस डी अपॉन फोर ए मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ऐसा और ए पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, माइनस डी अपॉन फोर वैल्यू आएगी। क्या बोलो ना? माइनस डी अपॉन फोर ए, माइनस डी क्या बी डी डी कैपिटल डी
अपॉन डिस्क्रिमिनेट और डी के तो निकलता है पी स्क्वायर माइनस फोर एस है ना यस सर और माइनस बाहर है सर इसमें और लिख दो ना सर ए अगर लेस देन जीरो तो मिनिमम फिर वो एक मिनट सर ये करने दो ना सर जरा एक मिनट हाँ सर ये क्या है जरा सीख रहा हूँ सर मैं जरा एक मिनट संकेत 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 नीचे क्या आएगा सर नीचे सर 4 इंटू 2 8 आएगा 8 तो 15 बाई 8 आया बराबर ना बराबर सर आप क्या बोल रहे क्या लिखने का बोल रहे अभी दूसरा ये है कि अगर a लेस देन 0 तो फिर मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू ही माइनस बी अपॉन 4 आता a लेस देन 0 रहेगा तो अब मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा माइनस d अपॉन 4 है और क्या और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है उसको माइनस 30 जाएगा और जिस पॉइंट में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो x = माइनस माइनस b अपॉन 2 x equal to minus b upon 2 है तो क्या आएगा मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आएगा सर सर इसी पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा ना एक ही आएगा ना या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा 5 by 4 होगा ना f of minus b upon 2 ये भी लिख सकते हैं f of minus b upon 2 हां तो b minus 5 होगा ना सर तो minus 5 by 4 आएगा ना सर यस सर मैक्सिमा और मिनिमा जो भी है पॉइंट पॉइंट यस सर तो कितने लोगों को समझ में आया सर तो ये हो गया आशा मैम का मेथड स्टार्टिंग में जो किया वो मेरा मेथड मैं कैलकुलस का डाउन है ये जो मेथड है वो उदय सर का मेथड कितने मेथड हो गए भाई तीन मेथड हो गया तारुक सर का मेथड बता था वो लास्ट वाले में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए सेम है क्या माइनस डी बाय फोर है हाँ वो एक्सट्रीमम वैल्यू है हाँ हमेशा हमेशा एक्चुअली ए पे डिपेंड करता है ए अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू ए अगर अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा ना तो कभी भी मिनिमम वैल्यू आएगा और ए अगर लेस देन 0 आया तो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा ऐसे और आएगा माइनस डी अपॉन 4 ही ओके सर कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा है बहुत सारे लोगों को पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने अमर अकबर अंतरित पहली बार समझा है ना मारा मारी सर यहाँ पे एक दो डायग्राम बना दो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला इनको समझ में आ जाएगा नेगेटिव कब और पॉजिटिव कब वही कर रहा हूँ मैम अभी मैं इनको ध्यान में आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल अभी कर रहा हूँ मैम अभी एक मिनट है पहले तो मैं इसको पैराबोला में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको एडमिट कर पैराबोला बनाने में क्या करना पड़ता तो ऐसा तो y upon 2 equal to सर बराबर कर रहा क्या मैं उदय सर हाँ सर बराबर है क्या हाँ सर बराबर है ना तो अभी ये x प्लस 16 है क्या करो ये ऐसे फॉर्म में लिखो क्या नहीं सर नहीं सर बाय माइनस रहना चाहिए ना तो वो फिर आपको वर्टेक्स मिलेंगे ना तो हाफ कॉमन निकालो क्या हाँ सर तो y माइनस 15 बाय 8 हो गया ना और इज इक्वल टू तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a है ना हाँ सर कंपेयर कर सकते हैं कर सकते हैं ना ऐसा 2 को उधर लेके जा सकते हैं ना 2 को हाँ छोड़ो ना 4a 2 है हाँ इससे कोई मतलब नहीं ना अपना नहीं सर नहीं सर अभी सर वर्टेक्स से पता चल रहा था सर कि ये y माइनस y1 is equal to 4a x minus x1 square ना तो a comma
ये x1 y1 आपके वर्टेक्स होते हैं जहां पे मिनिमम अगर 0 0 लिखा तो माइनस 5 बाय 4 वर्टेक्स आएगा ना कॉमा 15 बाय 8 तो ये काम प्लॉट करने का बस हो गया ना सर इसका मतलब ये हो गया माइनस 5 बाय 8 पे या तो मिनिमम वैल्यू 15 बाय 8 आएगा या तो मैक्सिमम वैल्यू 15 बाय 8 ये यार ये लीक कर रहा चलो ए पे डिपेंड करता है तो कैसा पैराबोला ड्रॉ करो सर सर अपवर्ड अपवर्ड सर एक्स एक्सिस ड्रॉ करके और तीन पैराबोला आ सकते हैं ना सर डी पे डिपेंड करता है डी कैसा आ रहा है या अभी ये पैराबोला कैसे ड्रॉ करो वर्टेक्स ये वाला हाँ ये वाला सर अभी ओरिजिन का पता नहीं सर पर दो डी आपका पॉजिटिव आ रहा है ना सर ऐसा आएगा ना सर कैसे हाँ सर ऊपर आएगा हाँ नेगेटिव आ रहा है सर ऊपर आएगा और ये जो वैल्यू माइनस फाइव बाय फोर आएगा ना हाँ और कॉमा 15 बाय 8 बराबर सर तो अपवर्ड पैराबोला से क्या मालूम पड़ता है बच्चे लोग बोलो ए पॉजिटिव हाँ ए पॉजिटिव रहता है बराबर हाँ मिनिमम वैल्यू मिलती माइनस डी और ये भी मालूम पड़ता है कि अपवर्ड पैराबोला सिर्फ लीस्ट वैल्यू निकलेगा बराबर है ना और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी इंफिनिटी बराबर ना यस सर यस हो गया आज के लिए बस ये सब क्लियर है सबको हाँ सर मैं सब कॉपी करो सब सट्टे है जो बताया नेक्स्ट लेक्चर में फैजान सर ये लेक्चर स्टॉप कैसे करेंगे बोलो जरा जुनून को बोलो ज्योग्राफी के लेक्चर में जाओ भाई स्टार्ट किसने किया फैजान सर कहाँ गए फैजान सर नहीं है क्या लीव मीटिंग बोल रहा है मेरे होस्ट नहीं है होस्ट नहीं क्या अपन मीटिंग एंड करने के लिए नहीं मीटिंग एंड करने के लिए होस्ट नहीं है अपन